नमस्कार सर, बताइए। मेरा नाम सलजीत है, मैं धनबाद झारखंड से आया हूँ। जी मैंने यूट्यूब से मैं सर्च किया कर रहा था, तो उसमें मुझे पैसिफिक एग्रो नागपुर के बारे में पता चला कि और लेमन ग्रास प्रोजेक्ट के बारे में, तो मुझे यह जानकारी लेने का मेरे दिल में इच्छा हुआ और मैं अशोक सर से संपर्क किया। जी और अशोक सर का बुलावट पर मैं यहाँ आया और आके मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और अशोक सर ने मुझे अपने ऑफिस तक पिकअप करके लाया और उसके बाद मुझे अपना ऑफिस दिखाए और ये फार्म अभी आए, फार्म में फार्मा रोज़ा और लेमन ग्रास का मैंने देखा या फील्ड में लगा हुआ है और लगाने की पद्धति को भी मैंने देखा, सीखा कि किस ढंग से लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जंगल के बगल में है लेकिन किसी प्रकार का जंगली जानवर का कोई प्रकोप नहीं है, ना ही सुअर वगैरह का प्रकोप है। फसल को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कीड़ा मकोड़ा काफ़ी बड़े, लगभग जहाँ तक मैं अंदाज कर पाया, सर ने भी बताया कि यह 10-12 एकड़ में से बड़ी एरिया में लगा हुआ है, लेकिन किसी प्रकार का फसल कहीं कोई क्षतिग्रस्त मुझे नज़र नहीं आया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ फसल को देख के। और मैं अपने झारखंड में जाके इसको, झारखंड में कहाँ पर? अभी मैं ये धनबाद और दुमका क्षेत्र में। जी जी, अच्छा, दुमका, धनबाद और जामता। अच्छा, इसका आर्थिक गणित आपको कुछ समझ में आया? क्या आपको खर्चा आएगा, क्या इसका नेट प्रॉफिट हो सकता है? हाँ, जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक पौधे से ये इतना निकला हुआ है, इसका घास है और इसका जैसे सर के साथ डिस्कशन हुआ, तो इसमें से इसका आर्थिक पक्ष मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं अभी इनिशियली 10 एकड़ में स्टार्ट करना चाहता हूँ और फ्यूचर में प्लानिंग है कि मैं इसे 100 एकड़ तक ले जाऊँ ताकि मेरे जैसे और भी लोग, मेरा देखा देखी लोग लाभान्वित होने पाए और भी किसान, क्योंकि हमारे वहाँ जो है पालतू जानवर का बहुत प्रकोप है, फसल लोग लगा नहीं पाते हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा गोल्डन क्रॉप साबित होगा मेरे जैसे किसानों के लिए। यानी कुल मिला के आप यहाँ पे आकर संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हूँ और ख़ासकर मैं अशोक सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका सहयोग रहा, मेरे हर एक प्रश्न का जवाब इन्होंने बहुत ही अच्छा सटीक तरीके से दिया, मैं बहुत संतुष्ट और खुश हूँ।